अच्छा नहीं कर रही हैं आप। आग लगा रही हैं ईशल और जुनेद के बीच। आग मैं लगा दी? नौकरानियों वाला काम तुम मुझसे करवा रही। अगर उसका बाप उसे कुछ भेजता है वो तुम नहीं रख रही। उन बाप बेटी की बेइज्जती तुम करो और आग मैं लगा रही हूं। क्यों, सबाहत को फोन आपने नहीं किया था? सामान वाले मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश नहीं किया था? एक बात सुन ले अच्छी तरह अम्मा भी, ये जो तीलियां लगाती फिर रही है ना आप, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। खुदा ना खास्ता अगर जुनेद और ईशिल के बीच दरारें पड़ी तो वो आपकी वजह से पड़ेंगी। मेरा तो सिर्फ इतना नुकसान होगा कि मेरे बेटे का घर उजड़ जाएगा, लेकिन आपका डबल नुकसान होगा, क्योंकि एक तरफ आपका पोता है और दूसरी तरफ आप ही की पोती है। आपकी पूरी दुनिया उजड़ जाएगी। जी अम्मी, बुलाया आपने? बैठो। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मुझे उम्मीद है कि तुम समझने की कोशिश करोगे। बताइए ना अम्मी। जुनेद, माँ और औलाद का रिश्ता इसलिए भी ज्यादा मजबूत होता है क्योंकि माओं को सख्त फैसले नहीं करने पड़ते। वो अमूमन बाप के हिस्से में आते हैं और औलाद की बाप से दूरी की वजह भी यही होती है। लेकिन मैंने तुम दोनों को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। जहां तुम्हारे लाड उठाए हैं वहां तुम्हारे लिए बहुत सख्त फैसले भी करने पड़े हैं। जो कुछ किया है हमारे भले के लिए तो किया है। आज भी जो फैसला मैं करने जा रही हूं हो सकता है तुम्हें बुरा लगे और तुमसे ज्यादा कुछ और लोगों को बुरा लगे। आप हुक्म कीजिए। खूब वालदैन बच्चों की शादी उस वक्त करवाते हैं जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके होते हैं, इसी मुकाम पे पहुंचे होते हैं। तुम्हारी शादी जल्दी करवा के तुम पे कोई एहसान नहीं किया है मैंने। तुम्हारी किस्मत थी, अल्लाह को यही मंजूर था। मुझे वक्त लगा लेकिन अब मैंने हकीकत को तस्लीम कर लिया है। लेकिन कल से तुम्हारे इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी तैयारी में कोई भी खलल पड़े, इसलिए तुम कल ईशर को एक महीने के लिए उसके मैके छोड़ाओ। थोड़ा सा सोच के फैसला करो, फौरन जवाब मत दो। लेकिन तुम्हारी कामयाबी में कोई रुकावट आए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो रुकावट तुम्हारी बीवी क्यों ना हो। ताईजान, ताईजान प्लीज मुझे माफ कर दे। मैं आइंदा कभी आपसे बदतमीजी से बात नहीं करूंगी। प्लीज मुझे मेरे घर मत भेजे। मैं जुनेद को भी तंग नहीं करूंगी, प्लीज माफ कर दे। बस मैंने इतना ही कहना था। अब फैसला तुम दोनों के हाथ में है।